मैं हूँ प्रिंस सर, नाम तो सुना ही होगा। और हम लोग जिस चैनल पर मिल रहे हैं उस चैनल का नाम भी सुना होगा, बूम बूम फिजिक्स। तो भाई आज हम लोग मिल रहे हैं चैप्टर 2 में, 12 क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बैचेज में मैंने चैप्टर 1 खत्म कर रखा था, बहुत सारे बैचेज में चैप्टर 1 का एकदम क्लाइमेक्स चल रहा था, तो उसका हम लोगों ने वीडियो अपलोड करके सब कुछ खत्म कर लिया है, सब कुछ बढ़िया से हो गया है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए बात करते हैं विद्युत विभव के बारे में। क्या है सर विद्युत विभव, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, जिनको आता है वीडियो आगे करके देख लेना। ठीक है, हम तो शुरू से पढ़ाएंगे क्योंकि भाई बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको कुछ नहीं आता। आ जाओ स्टार्टिंग से, एकदम जीरो से देखेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे हम लोग। ठीक है, सो विद्युत विभव हमारा टॉपिक है। विद्युत विभव जानने के पहले हम आपको विभवांतर सिखाएंगे, मतलब कि विद्युत विभवांतर। एक्चुअली में आपको हम बता दें कि विभव नाम का कोई चीज फिजिक्स में डिफाइन नहीं होता है अकेले। अगर इंडिपेंडेंट केवल विभव के बारे में बात करोगे तो ऐसे कोई चीज होती नहीं है। अंग्रेजी में पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी, पोटेंशियल। मेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाकर थूक थार के किसी को भी आ जाएंगे, ठीक है, ये है मेरा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल साउथ के हीरो का बहुत ज्यादा होता है पोटेंशियल, ठीक है, इन कंपेरिजन टू, छोड़ो नहीं बोलेंगे। विभव अकेले डिफाइन नहीं है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, विद्युत विभवांतर डिफाइन करना पड़ेगा। जरा आ जाओ, चलो विद्युत विभवांतर डिफाइन करते हैं। विभव को हम लोग विद्युत विभव को भी से डिनोट करते हैं, इसको आगे हम लोग बात करेंगे, बट अभी हम आपको बात करेंगे किसकी, विद्युत विभवांतर की। चलो मान लो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक कुछ दूरी पर ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, ठीक है, और इन दो पॉइंट पर हम इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखे हैं। टेस्ट चार्ज सर, कहे अंग्रेजी बोल रहे हैं। चलो जहाँ चावेस को देते हैं, पढ़ाया है ना, इस पर लेक्चर बना हुआ ना, जहाँ चावेस की दो पर पट्टी भी बना, वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होना चाहिए, एकदम चूहिया, ये बहुत छोटा। दूसरा, बहुत छोटा के साथ साथ और क्या होना चाहिए, धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना, सत्यानाश हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव लेना, ठीक है। सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया है, तो अब हमको करना क्या है कि अगर हम बात करेंगे विभवांतर की, ध्यान देना, अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको कंधे पर उठाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे उठा लिया उठा के, और इसको कुचूक ऐसे लेके आ जाना है यहाँ, इसको बी पॉइंट से उठाना, और बी पॉइंट से उठा के कहाँ लेके आना, ए तक लेके आना, तुमको लेके आना है, इसको अपने से मत आने देना, अपने से नहीं आने देना, इसको तुमको लेके आना है। तुम जो है, ये दोनों तो आपसी मामला, ये दोनों एक ही परिवार के हैं, तो ये कहेंगे ये तो हम अपने हैं, तुम पराए हो, तो कहो कि हाँ ठीक है हम पराए हैं तब भी ले जाएंगे, तो तुम लेके आना। सो मैंने लिख दिया ये W एक्सटर्नल, अगर तुम कहो थोड़ा सा ज्यादा हिंदी पढ़ते हो तो इसको क्या करोगे, W बाह्य, मतलब कि बाहरी बल, क्या कर लिए, बाहरी बल, ठीक है। हमने इस क्यू नॉट को उठाया सर, और क्यू नॉट को कुट 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 ए पर लेके आ गए, ठीक है, हमने काम किया। अब अगर तुमको यहाँ और यहाँ का विभवांतर चाहिए, यानी कि वी ए माइनस तुमको अगर वी बी चाहिए, देखो यही है विभवांतर, वी ए माइनस वी बी, तो तुमको करना क्या है, हमने क्या किया है, बाह्य बल लगाया है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक लेके आया, सॉरी बी पर था ना, बी से ए पर लेके आया, बी से ए पर, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर चाहिए, वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सटर्नल बल निकाल लेंगे, वी बाह्य, वो बाह्य बल कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेकर ए पर आए थे, वो कार्य, वो वर्क डन जितना तुमने किया है वो ले लो, और टेस्ट चार्ज जहाँ चाहे से इसको भाग दे दो, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा हो गया विभवांतर। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि किसी, अच्छा भागा दे दिया ना, इसको भागा दे दिया ना, तो जैसे देखो तो जरा, 10 रुपए में 5 आम, 1 रुपए में 5 बटे में 10 आम, 1 बटे 2 आम, ठीक है। तो अगर हम 10 से भागा दे दिया तो 1 आ गया ना, एकांक का आ गया ना, तो कैसे बोलोगे इसको, इसको कैसे बोलोगे सर, कि सर प्रति एकांक जांच आवेश को, प्रति एकांक जांच आवेश को बाहरी बल द्वारा
ठीक है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए गए या लाने में किए गए कार्य को हम लोग दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी कि VA माइनस VB अगर करना हो तो यहाँ से चार्ज को उठा के यहाँ तक ले आओ, तुमने जो काम किया उसको लिख लो, और उस काम को जो किए हो लिखने के बाद उस जांच आवेश से भाग दे दो। तो इसका देखो सर, इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा 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 परिभाषा, कन्फ्यूजिंग हो रहा है सर। कोई बात नहीं बेटे, कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें। हम क्या कहेंगे कि किसी एकांक जांच आवेश को, देखो जांच आवेश अगर तुम लिख देते हो ना तो दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बेटे। वो एक चीज़ कि ये बहुत ही छोटा होगा आवेश, और दूसरा ये जांच आवेश धनात्मक होगा। तो किसी एकांक जांच आवेश का मतलब कि हमको हमेशा धनात्मक आवेश को लेके जाना है। किसी एकांक जांच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहा जाता है। उन दोनों बिंदुओं का क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। समझ गए? देखो अच्छा सर, आप बी से ए तक लेके आ रहे हैं और यहाँ बी ए माइनस बी भी बोल रहे हैं, तो ये तो प्रारंभिक बिंदु हो गया ना, ये अंतिम। तो जहां भी तुम डिफरेंस निकालते हो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभिक, तो वही मैंने बी ए माइनस बी भी किया। आसान है, बहुत आसान है, कोई वो नहीं है। यहाँ बी ए माइनस बी भी करोगे ना, यहाँ बी से ए कर देना। अपोजिट बचपन में कैसे याद करते थे हम लोग, यहाँ ए भी है तो वहाँ भी है, यहाँ भी है तो वहाँ भी है, उल्टा बस ऐसे ही, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। यहाँ से चाहो तो कुछ चीजें और कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा सर, देखो यहाँ से इसका एस आई यूनिट, अच्छा ये वर्क है ना, कार्य है ना, तो कार्य का यूनिट कितना हो जाता है, जूल 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 जूल, और ये आवेश है ना, आवेश का और क्या होता है, कूलम 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 कूलम, खूब बढ़िया सर। तो मालूम चला कि सर इसका ऐसा यूनिट जूल प्रति कूलम, अच्छा एक जूल प्रति कूलम को ही ना एक वोल्ट कहा गया, क्या कहा गया, एक वोल्ट, एक जूल प्रति कूलम को क्या कहा गया, वोल्ट। तो यहाँ से मालूम चला कि सर इसका एसआई मात्रक जो है ना, एसआई मात्रक जो इसका है वोल्ट है, क्या है, वोल्ट है, जिसको हम लोग भी से डिनोट करेंगे। एक बात और, ये किया गया कार्य है और कार्य अदिश राशि है, इसीलिए ये अदिश राशि है। एक बात और चीज है कि विभवांतर जो है अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। इतना सारा डाटा तुम्हारे पास हो गया, ठीक है, इसको पहले बढ़िया से कॉपी पे नोट्स बनाओ। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ बी है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चार्ज तुमने क्यू नोट रखा है और इसको यहाँ से यहाँ उठा के लेके आना है, तो तुमको काम करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल, जिसको हम लोग एक डब्लू बाह्य बोलते थे, बाह्य कार्य बोलते थे, हमारे द्वारा यानी कि बाहरी तत्व द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि फिर आया था हमारा क्या, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू एक्सटर्नल बी से ए ले जाने में और बटा में कितना क्यू नोट, ठीक है, यही हमने आपको पढ़ाया है। अब बात आती है कि सर जब ऐसा पढ़ा दिया आपने तो इस पर सवाल भी कौन कराएगा, सवाल कितना कराएगा, दो मार्क्स के लिए सवाल न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे सवाल कैसे है कि दो बिंदु ए तथा बी, चलो ले लिया सर ए, ले लिया सर बी, दोनों का वोल्टेज दिया है मेरे भाई, भी ए दे दिया है तुमको 10 वोल्ट, मेरे भाई तुमको भी दे दिया टुक से कितना -10 वोल्ट। अब क्या बोल रहा है कि दो कूलम आवेश को बी से तक लाना है, यानी कि बी पर दो कूलम का चार्ज है और उसको उठा के यहाँ पर लेके आना है। फिर बोल रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है करता है इसको, यहाँ करते हैं, यहाँ इसी पे तुम देख लिया ना, यही सेम, कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि तुमको तो यही निकालना है ना भाई मेरे, यही ना निकालना है, यही बाहर काम निकालना है तुमको, बी से ए तक लेके आना है, बी से ए तक लेके आना है और उसमें किया गया कार्य निकालना है। तो देखो भी ए कितना है, भी ए 10 बहाने करके ले गई आगे, नहीं बीबी बोलो बीबी -10 ओके। हमको तो निकालना है वर्क एक्सटर्नल, निकालना है बी टे ए से तक बाटा में क्यू नॉट, कितना चार्ज को लेके आ रहे हो, क्यू नॉट को लेके आते थे तो क्यू नॉट, यहां दू को लेके आ रहे हैं तो दू चुक, माइनस माइनस प्लस
ए कोरोना तू कहाँ से अलू, पढ़ाई के चौपट कह दी हलू। ए तेरे साथ गुना करो ना यार। अरे वो तो बी टू ए बीस बीस हो गए अगुना ही तू। सो योर आंसर इज 40 जूल। योर आंसर इज 40 जूल, याद रखना सर। अब तो वोल्ट बताया, अरे वोल्ट हम भी अंतर के बताए थे, हम कार्य निकाल रहे हैं तो कार्य का तो जूल होगा ना। ये है हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दोबारा इसको पॉज करके देखो, क्या है ना कि जब भी तुम क्वेश्चन हमको देते हैं ना तो क्वेश्चन को पहले फिर पॉज कर लो, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, और नहीं होता ना फिर सॉल्व करो, ठीक है ना। अब इसको जरा नोट कर लो जरा तो तुरंत।